What's up guys, welcome back to your new video. मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद भतीजा. कैसे हो आप सब? I hope you guys are doing really really good. और यार पिछले कुछ दिनों से मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपना next 24 hour challenge क्या करूं. इसीलिए मैंने कल कम्युनिटी पे एक पोल डाला था जिसमें मैंने आप सभी से पूछा कि नेक्स्ट 24 आवर चैलेंज आपको कौन सा देखना है. मैंने ऑप्शंस डाले थे रेड कलर, ऑरेंज कलर और ट्रायंगल शेप फूड. और आप सभी ने बिना कोई हेजिटेशन के सबने, इनफैक्ट 70-75% लोगों ने ट्रायंगल शेप फूड चूज किया था कल. एंड आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी कि कुछ अलग करने को मिल रहा है मुझे, बिकॉज मैं कलर फूड तो डेफिनेटली राइट बैक. ट्रायंगल शेप फूड पे हमको अराउंड 70-71% तक के वोट्स मिले. आई वॉज रियली शॉक एंड मुझे एक्चुअली पर्सनली बोलूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे ट्रायंगल शेप फूड करने का एक्चुअली काफी मन था. बहुत ही एक्साइटिंग होगा एक टाइप ऑफ शेप का फूड ढूंढना. तो मैं ट्रायंगल शेप फूड के बारे में पढ़ रहा था कल से एंड मैंने काफी सारे ऑप्शन निकाले. मुझे पता है उनमें से काफी ऑप्शन तो ऐसे ही है जो मुझे आप सबने इंस्टाग्राम पे दिए थे. और आ गए सप्ताह, अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके कर लो. इनमें से काफी चीजें तो आज मैं खाने वाला हूँ यार. तो आप गेस करो एंड वील हैव अ ब्रेकफास्ट राइट नाउ. टाइम इज 12:15 या वही टाइम ब्रेकफास्ट राइट नाउ. ब्रेकफास्ट इज गोइंग टू बी समथिंग जो मैं बचपन में बहुत खाता था, अभी भी कभी कभी खाता हूँ. ट्रायंगल शेप में होता है वो. चलिए आपको दिखा दो. ये अभी मैं कुछ सामान लेने गया था. डोरिटोस, दिस इज, दीस आर सम काइंड ऑफ समोसास. ये कौन से समोसास हैं गेस करिए तब तक. हैव सम ऑफ डोरिटोस ब्रेकफास्ट में. गोइंग टू हैव डोरिटोस अलोंग. उसके साथ एक और चीज खाएंगे हम लोग. दिस इज ब्रेड. वी हैव अनियन टोमेटोस. वी हैव दैट ब्रेड. अगर आपको पता नहीं तो ये टोस्टर बचपन में बहुत खाता था. मेरी मॉम मुझे हमेशा डेली ऑलमोस्ट 2 दिन में एक बार तो टोस्टर स्कूल में बना के देती थी. ये टोस्टर बड़ा ही बेसिक सा होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है, कांदा टमाटर का होता है. काफी लोग उसमें आलू भी डालते हैं, काफी लोग मेयोनीज भी डालते हैं. हम लोग मेयोनीज भी डालने वाले हैं. एंड आप में से कितने लोगों का ये बचपन का फेवरेट चाइल्डहुड स्नैक है? मम्मी तो टिफिन में ये ट्रायंगल काइंड ऑफ शेप ऑफ टोस्टर तो डाल के देती थी. आपको डाल के देती थी क्या? कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताओ. Also guys, rules for the challenge will be कि मैं जो भी चीज़ खा रहा हूँ, that is मैं जो भी चीज़ खाने वाला हूँ, वो triangle shape होनी चाहिए. ठीक है, उसका actual जो actual bite में लेने वाला हूँ वो triangle shape का होना चाहिए. जैसे ये triangle shape है, समोसा triangle shape है, एक और चीज़ triangle shape है. सोचो सोचो इसके अंदर क्या था, आपने देख लिया. It's just mayonnaise and onion tomatoes. मुझे मेरा बचपन याद आ गया यार. मेरे क्लास में मेरे स्कूल फ्रेंड्स इतने लोग थे जो ये टोस्टर लेके आते थे. इवन आई वॉज वन ऑफ देम. It is so simple. It's so good. I just love this. I could have gone with something very fancy for the breakfast, but I wanted to go something very nostalgic, very relatable. Let's not forget the nachos. So done with my breakfast. I'll see you guys at the lunch. लंच की प्रिपरेशन करनी है. चलो आपको भी दिखाता हूँ मैं लंच की क्या प्रिपरेशन करता हूँ. ट्रायंगल फूड ढूंढने आया हूँ मैं बाहर, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा मैं अपनी गाड़ी थोड़ी सी वॉश करवा लेता हूँ, बिकॉज मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है. गाड़ी वॉश कराने के बाद हम लोग जाएंगे ट्रायंगल फूड ढूंढने. अब मुझे जो फूड्स चाहिए वो मेरे घर के बाद में मुझे मिलेंगे या नहीं, आई डोंट नो. एक चीज़ तो है जो मुझे मिल जाएगी, दूसरी चीज़ भी मिल जाएगी. इनफैक्ट सब मिल ही जाएगा यार, मैं क्या बात कर रहा हूँ, मिल जाएगा सब मुझे. नो नीड टू वरी. ओके, उसमें से आपको एक चीज़ बता देता हूँ. ठीक है, उसमें से एक चीज हम लोग लेने वाले एक मस्त कोई तो डिलीशियस पेस्ट्री. आई एम गिविंग यू दैट वन थिंग. और सेकंड चीज क्या है वो गेस करिए, इज गोइंग टू बी अ फ्रूट. फ्रूट में क्या ट्रायंगल होने वाला है गेस करो, तब तक मेरी गाड़ी वॉश हो जाएगी. सो योर आई हैव वन ट्रायंगल शेप्ड पेस्ट्री. अब ये पेस्ट्री कौन सी है ये आपको मालूम पड़ेगा रात में. सो स्टे ट्यून्ड. सो ट्रायंगल फूड को लेके जो भी मेरा सामान था वो लेके मेरा हो चुका है. मुझे एक दो और काम करने थे, मैंने वो भी निपटा दिए बाहर. ऐसा सोचा कर देता हूँ, गाड़ी वॉश हो गई, ट्रायंगल शेप का सामान मिल गया और अभी मेरे काम भी हो गए. चलो अभी घर चलते हैं. ऑल्सो गाइस, अभी यार 3:30 तो मुझे इधर ही बच गए, लंच करते करते 4:15 हो जाएंगे. लेट लंच इज लाइक माई हॉबी ओनली, इट्स वन ऑफ माई हॉबीज इफ यू डोंट नो. अभी आपको समझ गया रहेगा कि मैं लेट लंच लेट ब्रेकफास्ट मेरा होता ही रहता है. लंच में सबकी प्यारी चीज बनने वाली है, इट हैज समथिंग टू डू विद चीज. चलिए. सो वी आर गोइंग टू मेक अ पिज्जा राइट नाउ. ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे कि पिज्जा तो गोल होता है, बट भाई उसको खाया तो ट्रायंगल में जाता है ना. पिज्जा होता गोल है, कट करने के बाद ट्रायंगल हो जाता है. और हमारे रूल्स के हिसाब से जो भी हम चीज खाएंगे वो ट्रायंगुलर शेप में होनी चाहिए. एंड पिज्जा वर्क. पिज्जा घर पे बनेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट फ्रॉम स्क्रैच. स्क्रैच से नहीं बनेंगे. मैंने पिज्जा बेस लेके रखा हूँ, सॉस लेके रखा हूँ, उसको बनाएंगे. इतनी मेहनत नहीं पूछ रही है मेरे को यार, फिर से अभी पूरा डो वगैरह बनाने को.
लेट्स मेक द पिज्जा, आई एम वेरी हंग्री। जिस तरीके की खुशबू आ रही है मुझे लग रहा है हमारा पिज्ज़ा रेडी है। चीज़ तो बड़ी ज़बरदस्त मेल्ट हुई है। वी हैव मोर 3 मिनट्स रिमेनिंग, या अराउंड 3.5 मिनट्स रिमेनिंग। सो गुड, बॉल ट्रैक। एक्चुअली मेरे को पहले डर लग रहा था कि ये चीज़ प्रॉपर मेल्ट हो गई या नहीं, या फिर बेस बहुत कड़क हो जाएगा, लेकिन दिस इज सो 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 गुड। चलो तो हम लोगों ने ट्रायंगल शेप का किया। अगर आपको ऐसे कोई और शेप का फूड चाहते हो जो मैं करूं 24 आवर चैलेंजेस में, आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, बस और कुछ नहीं करना। डन विथ माय लंच, अभी हम लोग ट्रायंगल में एक और चीज खाने वाले हैं। वेट, लेट मी ब्रिंग इट। सो ये होगा हमारा दोपहर में पिज्ज़ा के साथ एक ट्रायंगुलर डिजर्ट। एक्चुअली ये मुझे रात में खाना था, बट मुझे मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी खा लूँ। दिस इज अ क्रीम एंड चॉकलेट मोंजरीज का स्क्वायर शेप पेस्ट्री। एक्चुअली ये स्क्वायर शेप पेस्ट्री मुझे कहीं मिल नहीं रही थी। ये पूरी तो मैं नहीं खा पाऊंगा यार गाइस, सॉरी। थोड़ी खाऊंगा, थोड़ी फैमिली को दे दूंगा खाने को। क्या जबरदस्त पेस्ट्री है यार। एक्चुअली ये पेस्ट्री फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ मैं, एंड आई एम लविंग दिस पेस्ट्री। चलो ये मेरा दोपहर में डिजर्ट भी हो गया, ये मैंने आधी खा ली। अभी मैं आप सभी से शाम में इवनिंग स्नैक के लिए मिलूंगा। शाम का स्नैक इज गोइंग टू बी समथिंग विच मेजॉरिटी ऑफ यू वॉन्टेड मी टू डू। एंड अगर आप गूगल करोगे ना ट्राइंगल शेप फूड, सबसे पहले वही आता है। गेस करो, आई सी यू गाइस इन द इवनिंग। So it's time to have the evening snack, लेकिन उससे पहले something happened. Watch this. मैं अभी अपने favorite समोसा shop पे आया हूँ। Actually मुझे समोसा पहले लेने थे, पहले मैंने समोसा लिए थे, cocktail समोसा लिए थे मकेन के बनाने के लिए, लेकिन अभी मुझे मेरा favorite समोसा वाला जो है उल्लासनगर में वो चालू हो चुका है। I'm so happy and मैं वहीं से समोसा लेने आया हूँ। प्लान कुछ और था लेकिन हम कर कुछ और रहे हैं। अभी हम लोग अपने फेवरेट समोसे खाने वाले हैं। ये शॉप है, ये देखिए। So this is what happened. Actually, मुझे शाम को समोसे खाने थे, because obviously आप सबने, इतने लोगों ने मुझे समोसे बोले थे खाने को। In fact, एक ऐसी चीज जो आप सब expect कर रहे थे ये video में, that would be समोसा। तो पहले मेरा जो plan था वो ये था कि मैं ये मकेन के pizza filling समोसे खाऊंगा शाम को, क्योंकि मुझे और कोई भी ऐसी अच्छी जगह से समोसे नहीं मिल रहे थे अपने यहाँ से लेके आने को। लेकिन लकीली आज वो एक चीज़ ऐसी हो गई जिसके लिए मैं बस वेट कर रहा था। एक्चुअली आज उल्लासनगर में मेरा जो फेवरेट जॉइंट है समोसे खाने का, दैट इज सिटी स्नैक्स, वो रीओपन हुआ था अराउंड कुछ टाइम पहले, वो रीओपन हुआ था और मैं वहीं से जा रहा था, मेरी नज़र वहाँ पे पड़ी एंड आई वॉज सो सो हैप्पी टू सी दैट यू नो समोसा का जॉइंट ओपन। एंड मैं वहाँ गया, आई थॉट छोड़ो पिज्ज़ा सब, समोसे छोड़ो, सब छोड़ो, वी आर गोइंग टू हैव आवर फेवरेट समोसा इन द टाउन एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ऑल्सो इसके साथ हम कुछ गलत नहीं करेंगे, इसको धोखा नहीं देंगे, रात को इसके भी एक दो पीस खाएंगे, इसको भी खुश करेंगे। लेट मी शो यू हाउ दिस समोसा लुक्स लाइक। ये समोसा है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आलू है। दिस इज देयर वेरी स्पाइसी शेजवान चटनी। जो वहाँ के ओनर है जो बनाते हैं उन्होंने कंसिस्टेंसी और टेस्ट अब तक एग्जैक्टली वैसे ही रखी है। कंप्लीटली इम्प्रेस्ड। मेरे लिए तो यार एक स्टेपल है, मैंने बहुत खाया है बचपन से। ऑल्सो जो समोसा होता है उसके अंदर आलू एकदम प्लेन होता है, सिर्फ आलू, एक दो मसाले और जीरा होता है और कुछ नहीं होता। दुख हो रहा है, समोसा खत्म हो गया, कोई बात नहीं। रिटर्न में तो इवनिंग स्नैक, अभी मैं आपको मिलूंगा रात के फाइनल एक बहुत ही अच्छे मील के लिए। सो सी यू एट द डिनर। सो इट्स टाइम फॉर द डिनर राइट नाउ। टाइम हो रहे हैं 10, क्योंकि हम लोग का रात का जो डिनर है इट इज गोइंग टू बी मिक्स ऑफ 3 थिंग्स। इट्स गोइंग टू बी अ स्मॉल ब्रेड पकौड़ा, इट्स गोइंग टू बी दोस
पिज्जा कोन ट्रायंगल्स जो मैंने आपको शाम को दिखाए थे, मैंने आपको बोला था हम उसको वेस्ट होने नहीं देंगे, हम उसको रात को खाएंगे। सो हम उसके भी दो पीसेस खाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू हैव अ प्लेट ऑफ वाटरमेलन। सो वी आर गोइंग टू हैव लाइक टू थ्री थिंग्स, इसलिए हम लोग हर एक चीज में से थोड़ा थोड़ा खाएंगे एंड ट्रायंगल शेप को ध्यान में रखते हुए हम तीनों चीज बना रहे हैं। सो चलिए बनाते हैं। सो दिस इज हाउ माई डिनर लुक्स लाइक। दीस आर कॉर्न चीज ट्राइंगल समोसास एंड प्लीज एक्सक्यूज शेप, इट इज ट्राइंगल, लाइक कम ऑन, देखो ट्राइंगल तो है। ऑल्सो गाइस दिस ब्रेड पकौड़ा इज वेरी सिंपल, जैसे आपने पूरी प्रिपरेशन देखी, डज नॉट हैव एनी यू नो आलू एंड एनी ऑफ दैट काइंड ऑफ यू नो फिलिंग, बिकॉज आई एम ईटिंग टू टू थ्री थिंग्स एज अ डिनर, ब्रेड पकौड़ा एंड स्मॉल चीज ट्राइंगल्स अलॉन्ग विद देन वाटरमेलन। इतना मैं कुछ खा रहा हूँ तो मुझे ब्रेड पकौड़ा सिंगल स्लाइस का रखना था एंड दैट्स व्हाट आई वेंट विद। लाइट है, प्रॉपर है एंड ये लाइट मैं इसको इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसमें हम लोग ने कुछ भी स्टफिंग नहीं करी थी। आई नो ऐसे काफ़ी और चीज़ें ट्रायंगुलर शेप में थी जो मैं खा सकता था, बट आई वेंट विद सम ऑफ दोस थिंग्स जो आप में से काफ़ी लोग मुझे खाते हुए देखना चाहते थे एंड कुछ अपनी पसंद की भी। लेट्स ईट दिस पिज्जा, पिज्जा फिलिंग ट्रायंगल्स समोसा। अरे यार ये तो बहुत गर्म है यार, इसका डायरेक्ट ही बाइट लेके देखते हैं। ना आपको दिख रहा है नहीं। सो दिस बेसिकली हैज पिज्जा सॉस, सम ऑफ कैरेट्स, गुड मेल्टेड चीज का टेस्ट, ये मैंने पहले खाए हैं, सो नथिंग न्यू फॉर मी। अगर आपने नहीं खाया तो जाकर बटाट खाओ, बहुत अच्छे होते हैं। 50 से 100 के बीच में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ऑल्सो आपको लग रहा होगा कि मैं समोसा शाम में भी खाया, अभी क्यों खा रहा हूँ, बिकॉज ये समोसा एक्चुअली मुझे शाम को खाना था, इस बेचारे को मैंने डिच कर दिया था, बट हम खा रहे हैं इसको भी बिकॉज नहीं कर सकते ना, इसको मैं पहले लाया था उससे। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव दिस ह्यूज ट्रायंगुलर शेप वाटरमेलन्स। एक्चुअली मुझे खाना था, मेरा पहले से ये प्लान था कि अगर मैं ट्रायंगुलर शेप फूड करूंगा तो मैं वाटरमेलन तो फॉर श्योर खाऊंगा बिकॉज आई लव वाटरमेलन्स। ओके सो स्वीट, वाटरमेलन को खाने का बेस्ट तरीका बताऊं, उसके ऊपर ना चाट मसाला डाल दो, इट टेस्ट रियली गुड। इससे मुझे एक और चीज याद आती है, दिस इज आई गेस द फर्स्ट टाइम कि मैं कोई चैलेंज में प्रॉपर फ्रूट्स खा रहा हूँ। सो दैट वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो। अ 24-hour ट्राइंगल फूड ईटिंग चैलेंज वॉज नॉट ऐसा नहीं बोलेंगे कि बहुत चैलेंजिंग था ट्रायंगल फूड ढूंढना, हाँ चैलेंजिंग था बट वो उतना डिफिकल्ट भी नहीं था, बट वो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द ट्रायंगल फूड वॉज क्वाइट फन, क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आया ऐसा पहली बार कोई शेप्ड फूड का 24-hour चैलेंज करके। अगर आपको ऐसे भी और कोई वीडियो देखने हैं तो आपको कमेंट करना है, मैं देखूंगा आपका कमेंट, सोचूंगा और फिर बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो गाइस। अगर आपको आज का वीडियो देख के मजा आया हो कर देना वीडियो को लाइक, अगर आपको चैनल पे कंटेंट पसंद आता है तो ही सब्सक्राइब करेगा एंड शेयर करेगा अपने दोस्तों के साथ। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में एक अच्छे कोई चैलेंज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एंड पीस।